राती क्योंकि मैनू तो टबीट टबूट जहा करने नहीं आते ना मैं फेसबुक आँदी आ तो कहा कि जी ये गाइडलाइन लैके आया मान साहब मैं धामी हरजिंदर सिंह मैनू 68 साल का हो गया 41 साल की वकालत मैनू डिकटेट करके काम नहीं चलता तेनों तो दिल्ली तो लाइन आँदी आ तू तो दिल्ली तो लैके बाबू केजरीवाल तो लैके लाइन इतने बोलदा आ एवें नहीं हो रहा ये ओदी चाल आ बाबू केजरीवाल की कि पंजाब दे विच राज सत्ता दे नाल हुण धार्मिक हत्ता नूं वी सत्याला ये हथियाउण की ताकत आ सिखां ने कदे बर्दाश्त नहीं की ते फिर टीचरां करोगे तुसीं श्रोमणी कमेटी का प्रधान कित्थे जांदा फिर रात नूं नींद भी आ जांदी फिर पे की हो रहा इन्नी भी आपां जिहनूं कह लईए पे आपणा संकोच ना होइए पे अपने आप तो बाहर हो जाइए गुरु साहब कृपा करन क्योंकि बोलन मैं बाद च भी बोलूँगा तो थोड़े विचार भी सारे सरवण करने हैं पर मैं निम्रता साहब पहला भी बेनती की सी थोड़े जज्बातों भी नमस्कार थोड़े जेडे आपो बिची धड़े धड़े कहण का सेंस विचारधारा बख बख हो जाती किसी की कुछ किसी की कुछ उन्होंने भी नमस्कार आ पर एक सुरता दे नाल आ पहला करके फिर सारा जिहड़ा तुहाडे भी विचार सारे सुणांगे एक सुरता दे नाल इहनूं आपां पास करिए तां कि आउंदे समें दे विच कोई भी सरकार चाहे पंजाब दी तां करे नहीं सकदी सेंटर दी सरकार भी हीहा ना करे कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच कोई दखलअंदाजी की जाऊगी सूरमियों जे आपां इस गल दे अगे झुक गए वह दिन दूर नहीं फिर अज तो साढ़े इतने मतभेद आ ना फिर तो डांगा तक गल्लां चलणगियां फिर श्रोमणी कमेटी का कोई परपज नहीं रह जाऊगा 1925 का एक्ट सारा डिफीट हो जाऊगा क्योंकि ये लीगल पक्ष भी आ ते सिक्खी का पक्ष भी आ इस करके मैं थोड़े नाल ये विचार थोड़े जिहे पहलां सांझे कर लए सो मैं जे किसी ने मैनू होर भी इस ऐड करवाउणा वह भी काइंडली मैनू दे दिओ कोई दिक्कत नहीं उस तो बाद फिर आप सारे बैठ के जिहड़े विचार भी सांझे करांगे ये विशेष अजलास 20 जून 1923 श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का यह विशेष अजलास आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों पंजाब विधानसभा के मिति 20/6/23 के अजलास में लियांदे गए सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 को मुकम्मल रूप में रद्द करता है सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 सोध श्रोमणी कमेटी दी सिफारशां नाल ही संभव है सन 1959 सीनियर अकाली आगू मास्टर तारा सिंह जी और प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नहरू दरमियान एक समझौता सही बद्ध होया जिस विच साफ तौर पर प्रवान किया गया सी कि सिख गुरद्वारा एक्ट विच किसी भी सोध तो पहला श्रोमणी कमेटी के जनरल हाउस के 2/3 मैंबर की सहमति जरूरी होगी अज का अजलास सन 1959 विच इस समझौते की भावना एक बार दृढ़ करता होया पंजाब सरकार नूं सख्त ताड़ना करता है कि सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 नूं तुरंत वापस लवे जेकर सरकार ने सिख मसलियां विच दखलअंदाजी बंद ना कीती तां सिख रवायतां अनुसार श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके मोर्चे की आरंभता की जाएगी तो उहदी जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी पंजाब सरकार वालों विधानसभा में लियांदा सिख गुरद्वारा सोध बिल 2023 श्रोमणी कमेटी के अधिकार खेत्र आजाद हस्ती से सीधा हमला है क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने अधिकारों तो बाहर जाके श्रोमणी कमेटी के मामले में आप हुदरा ते गैर संवधानक फैसला करन दा कोई अधिकार नहीं है पंजाब का मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ये दखल अपने आका दिल्ली के बाबू ते आम आदमी पार्टी के मुखी श्री अरविंद केजरीवाल की सिख विरोधी सोच को लागू करन अते सिख सिख संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को हथियाउण के मंतव नाल कर रहा है जे श्रोमणी कमेटी का अज का अजलास विशेष सरकार की इस हरकत को सिख विरोधी करार दिता है इसका हर पद्धर से विरोध जारी करने का ऐलान करता है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी आजाद अते प्रतिनिधि संविधानक संस्था है जिस विच सरकारां दा सीधा दखल कताजत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 72 तहत सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 विच किसी भी तरह की सोध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस में प्रवान उपरंत ही मनी जाती है
सिख गुरद्वारा एक्ट अते श्रोमणी कमेटी दे प्रबंधां विच दखल देण, सिख करारां दा अहम हिस्सा, केसां दी तोहीन कारण हिस्सा, केसां दी तोहीन कारण रागी सिंघां दे मान सन्मान नूं ठेस पहुंचाउण ते पंजाब पहुंचाउण लई पंजाब दा मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान जनतक माफ़ी मंगे। सत्कारत भगत साहबान, भट्ट साहबान अते दा नाम सत्कारहीन भाषा विच लैण लई आम आदमी पार्टी दे विधायक बुद्ध राम भी सिख कौम तो खिमा जाचना करन। जे इहदे च कोई होर ऐड करना होया मैनू दस दिओ।